नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आप सबके साथ ममता सचदेवा एक बार फिर से। मैं एक्चुअली अभी अपना यूट्यूब चैनल देख रही थी और कुछ एक चीज़ें मेरी आंखों के सामने से निकली जो मेरा दिल देख के अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं ये कैजुअल सी वीडियो आप सबके लिए बनाऊं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल फेस में मैं बैठी थी, लेकिन मेरा मन किया कि नहीं, ये चार शब्द कहने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कल जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत हैवी हार्ट फील कर रहे हैं। एक्चुअली किसी चैनल की एक वीडियो मैंने देखी जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी कि कितने लोग मतलब पाकिस्तान की टीम के साथ उनकी क्या उम्मीदें बंधी हुई थी और वो कितना एक्सपेक्ट उनसे कर रहे थे कि वो जीतेंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप सबसे बस ये गुजारिश के तौर पे कहना चाहती हूँ कि गेम को हम लोग गेम की तरह रखें तो वो अच्छी बात है, गेम को हम अपनी ज़िंदगी ना बनाएं। हमने क्या कर लिया, हम अपने जो असल दुख सुख हैं उनको हम भूल के हमने इन गेम और स्पोर्ट्स के साथ ही अपने दुख सुख बांध लिए हैं। अगर जीत गए तो खुश हो गए, अगर हार गए तो दुखी हो गए। आज मैं एक इंडियन होने के नाते आप सबके सामने आके एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी मैच वगैरह फॉलो करती हूँ, लेकिन उस चीज़ को कभी मैंने दिलो दिमाग पे छाने नहीं दिया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देशों में क्या हो रहा है, हमारे देशों में चाहे इधर की बात करें चाहे उधर की करें, चाहे हम भारत की बात करें चाहे हम पाकिस्तान की करें, बहुत सारी नई नई जनरेशन हैं वो दुख के मारे शराबे पीने लग जाते हैं, टीवी तोड़ देते हैं, घरों का सामान तोड़ देते हैं, या कई गलत रस्तों पर चल पड़ते हैं। कई लोग तो इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि सट्टे वट्टे भी लगते हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा जुआ भी खेला जाता है। आप ये देखिए कि एक गेम की वजह से कितने लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं, और इस सबको करने वाले हम खुद ही हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं। अगर हम इन चीज़ों को इतना सीरियस लेके ही मतलब चलेंगे तो हम जिंदगी में आगे कहाँ बढ़ेंगे। अपनी जिंदगी पे फोकस करें, अपनी रोटी, पता नहीं इंसान को 3 टाइम वक्त से मिलनी है नहीं मिलनी है, अपने घर में कोई बीमार पड़ा है, भाई बहन की शादी करनी है, जिम्मेदारियां निपटानी है, उन चीज़ों को हम नजरअंदाज करके सिर्फ गेमों में इतना हम मतलब इतना ज्यादा कई बार हम डिटेल में चले जाते हैं कि हम अपनी जो असल जिंदगी है उसको भूल के हम उन्हीं जिंदगी में, एक आर्टिफिशियल जिंदगी में हम जीना शुरू कर देते हैं। बस गुजारिश ये है कि कई लोगों को मैंने ना बड़े डिस्टर्ब से होके मैसेजेस देते हुए देखा कि नहीं जी, हमें अपनी टीम से बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने तो हमारा दिल तोड़ दिया, मैं तो जिंदगी में कभी उनका मैच दोबारा नहीं देखूंगी, और ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। देखिए, हर एक इंसान के हालात होते हैं, जरूरी नहीं होता टीम की गलती होती है, जो एक वक्त पे जो चीज होनी होती है वो होनी होती है। कुछ चीजें हमारे मुकद्दर में भी लिखी होती है, कई टीमों का कोई घर से सोच के नहीं जाता कि वो हार के निकलेंगे उस ग्राउंड से, उनका भी मन था जीतने का ही। हर एक इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है, चाहे वो हमारी टीम है चाहे वो पाकिस्तान की टीम है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उम्मीद उनको अब हम परेशान करेंगे कह कह के कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर हम शायद उस सिचुएशन में खड़े होते तो हम भी शायद इससे वर्स भी परफॉर्म कर सकते थे। हम भी जिंदगी में कई बार हारते हैं, अपने कामों में, अपने घरों में, अपनी पर्सनल जिंदगी में। तो चलिए, जो हो गया इसको गेम की तरह लीजिए, इतना सीरियस मत लीजिए इस चीज को। कोई ऐसी बात नहीं, कोई जंग नहीं जीती है किसी ने, मतलब मेरे हिसाब से गेम चाहे इधर वाले जीते चाहे उधर वाले जीते, मैं ये नहीं कह रही मैं किस तरफ हूं, मैं एक इंसान हूं, एक नॉर्मल इंसान हूं। बस मैसेज इतना देना चाहती हूं कि गेम को गेम के रूप में हमें देखना चाहिए, गेम को हमें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी मौत पे बातें ले आए, या हम जुआ अपने घर बेच दें और पैसा इधर उधर लगाएं, या नशे करने में लग जाएं, या सामान तोड़ने पर आ जाए। इन सब चीजों से हमें थोड़ा सा परहेज होना चाहिए, असल जिंदगी में अपनी पे फोकस करें, अपने परिवार पे, अपनी जिंदगी पे, अपने बच्चों पे, और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें उन पे फोकस ज्यादा करना चाहिए देन ओनली गेम्स। गेम्स हमारी जिंदगी का सिर्फ हिस्सा हैं, और मुझे आज तक नहीं समझ आता कि इस गेम को इतना वैसे क्यों ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मतलब हमेशा मतलब रोड्स खाली हो जाते हैं जब खास करके इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। खुशी की बात भी है लेकिन गम की बात है। लेकिन एक जाते हुए मैसेज आप हमेशा याद रखिए, कभी आपका पड़ोसी अगर आपका दुखी है या परेशान है तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी आता है। तो हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचना चाहिए, और एक इंसान होने के नाते मैं हमेशा चाहती हूँ कि पूरे जो मेरे आसपास के देश हैं सब खुश रहें, सब अच्छे इंसान बन के रहें, एक दूसरे का हम सोचें, एक दूसरे के साथ बने रहें, और कभी हम में कोई जो कुछ गलत ना हो, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि लड़ाई कोई भी नहीं चाहता, सब अमन चाहते हैं। तो चलिए, इस अमन के मैसेज के साथ ही मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, और इस बात पे गौर जरूर फरमाइएगा जो मैंने कहा है, हमारी अपनी जिंदगियां, असल जिंदगियां जरूरी हैं देन दीज गेम्स। सो चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।